वेलकम टू फिल्म पॉइंट दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक आपको OTT और सिनेमा में क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए, वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना के टाइम खराब। कौन प्रवीण तांबे अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म 1 अप्रैल को डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर तमिल, तेलुगू और हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। अटैक अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म है। लीड कास्ट में नजर आएंगे जॉन अब्राहम, राकुल प्रीत सिंह और जैकुलिन फर्नांडिस और ये फिल्म भी 1 अप्रैल को थिएटर में रिलीज की जाएगी। मॉर्बियस अमेरिकन अपकमिंग एक्शन एडवेंचर फिल्म है। लीड कास्ट में नजर आएंगे जेरेड लेटो और ये भी 1 अप्रैल को थिएटर में रिलीज की जाएगी। मिशन इम्पॉसिबल अपकमिंग तेलुगु मूवी है। लीड कास्ट में नजर आएंगी तापसी पन्नू और ये फिल्म 1 अप्रैल को थिएटर में रिलीज की जाएगी। लेक अपकमिंग पंजाबी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। लीड कास्ट में नजर आएंगे गुरनाम भुल्लर और तानिया और ये फिल्म भी 1 अप्रैल को वर्ल्ड वाइड थिएटर में रिलीज की जाएगी। इडियट अपकमिंग तमिल लैंग्वेज ड्रामा हॉरर फिल्म है। ये फिल्म 1 अप्रैल को थिएटर में देखने को मिल जाएगी। बॉडी गॉड अपकमिंग कन्नड़ लैंग्वेज सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। ये फिल्म भी 1 अप्रैल को थिएटर में रिलीज की जाएगी। होम मिनिस्टर अपकमिंग कन्नड़ लैंग्वेज ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म भी 1 अप्रैल को थिएटर में रिलीज की जाएगी। मनमाधा लीलई अपकमिंग तमिल लैंग्वेज ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म भी 1 अप्रैल को थिएटर में देखने को मिल जाएगी। एक नंबर सुपर मराठी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म भी 1 अप्रैल को थिएटर में रिलीज की जाएगी। मी बसंत राव अपकमिंग मराठी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। ये फिल्म भी 1 अप्रैल को थिएटर में देखने को मिल जाएगी। पोलो 10.5 स्पेस एज चाइल्डहुड नेटफ्लिक्स ओरिजिनल साइंस फिक्शन एनिमेटेड फिल्म है। ये फिल्म 1 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। तो 1 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन सीरीज द लास्ट बस। दोस्तों इसके सीजन 1 में टोटल 10 एपिसोड देखने को मिल जाएंगे। ये सीरीज 1 अप्रैल को नेटफ्लिक्स इंडिया पर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद 1 अप्रैल को एक और मूवी देखने को मिल जाएगी जिसका नाम है द बबल। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। यात्री वाली अपकमिंग कॉमेडी ड्रामा मूवी है। लीड रोल में नजर आएंगे रकुल प्रीत सिंह और ये फिल्म 5 अप्रैल को थिएटर में रिलीज की जाएगी। 10वीं अपकमिंग सोशल कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे अभिषेक बच्चन, यामी गौतम और निर्मत कौर। दोस्तों ये फिल्म 7 अप्रैल को 2 OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी, जियो सिनेमा और नेटफ्लिक्स पर। गुल्लक सोनी लिव ओरिजिनल कॉमेडी ड्रामा सीरीज है। सीरीज का सीजन 3 7 अप्रैल को सोनी लिव पर रिलीज किया जाएगा। फतेह हिंदी लैंग्वेज एक्शन मूवी है। लीड रोल में नजर आएंगे सोनू सूद और ये फिल्म 8 अप्रैल को थिएटर में रिलीज की जाएगी। मॉन्स्टर अपकमिंग मलयालम एक्शन मूवी है। लीड कास्ट में नजर आएंगे मोहनलाल और ये फिल्म 8 अप्रैल को डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज की जाएगी। अभ्या एक क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है। इसका सीजन 3 अब आपको 8 अप्रैल को G5 पर देखने को मिल जाएगा हिंदी, तमिल, तेलुगु भाषा में। गलवकड़ी अपकमिंग रोमांटिक ड्रामा पंजाबी फिल्म है। लीड कास्ट में नजर आएंगे तरसेम जसन और वामिका गब्बी और ये फिल्म 8 अप्रैल को वर्ल्ड वाइड थिएटर में रिलीज की जाएगी। द कॉन्ट्रैक्टर अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है। ये फिल्म 8 अप्रैल को थिएटर में रिलीज की जाएगी। कहानी अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है। लीड कास्ट में नजर आएंगे वरुण तेज और ये फिल्म भी 8 अप्रैल को थिएटर में रिलीज की जाएगी। इसके बाद 8 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी एलाइट का सीजन 5 जिसे 8 एपिसोड के साथ नेटफ्लिक्स पर हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु और स्पेनिश लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा। सोनिक 2 अपकमिंग एडवेंचर साइंसफिक फिल्म है और ये फिल्म भी 8 अप्रैल को थिएटर में रिलीज की जाएगी। गोस्टबस्टर आफ्टर लाइफ ये फिल्म अब 10 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। डांसिंग ऑन ग्लास नेटफ्लिक्स ओरिजिनल ड्रामा फिल्म है जिसे नेटफ्लिक्स पर 8 अप्रैल को हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा। इसके बाद नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी कॉमेडी ड्रामा सीरीज जिसका नाम है ग्रीन एग एंड हैम का सीजन 2 द
10 एपिसोड के साथ नेटफ्लिक्स इंडिया पर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा। मेंटल लॉर्ड्स नेटफ्लिक्स ओरिजिनल हाई स्कूल ड्रामा कॉमेडी मूवी है। ये मूवी नेटफ्लिक्स इंडिया पर 8 अप्रैल को हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज की जाएगी। इसके बाद 8 अप्रैल को रिलीज होगी कोरियन थ्रिलर मूवी जिसका नाम है यश रूथलेस ऑपरेशन। ये फिल्म 8 अप्रैल को नेटफ्लिक्स इंडिया पर हिंदी, कोरियन और इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। फिरमाई वगाई सुंदरम थिएटर रिलीज के बाद अब ये फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म जी तमिल पर 10 अप्रैल को शाम को 6 बजे तमिल, तेलुगू और हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। बच्चन पांडे थिएटर रिलीज के बाद अब ये फिल्म अमेजॉन प्राइम पर अप्रैल के फर्स्ट वीक में रिलीज कर दी जाएगी। तो दोस्तों, आपको इन सीरीज़ में से और फिल्मों में से आपको किन किन फिल्मों और सीरीज़ का सबसे ज़्यादा इंतज़ार है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को करिए लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।